हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार। आप सोच रहे होंगे कि आज कुछ नया ब्लॉग आने वाला है, बट दोस्तों ये ब्लॉग नहीं है। आज मैं ब्लॉग वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि ब्लॉग वीडियो आएगी, बट ब्लॉग वीडियो आने से पहले आपको कुछ एक इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ। इस वजह से मैं आज कुछ वीडियो बना रहा हूँ। तो आज का जो टॉपिक है ना, बड़े ख़तरनाक है। देखिए क्या होता है, एक आपके नाम पर कोरियर आता है, कहाँ से, पोस्ट ऑफिस से। कौन भेजा, भेजने वाले का नाम है मीशो। और आप जैसे मीशो ने जो कुरियर भेजा है, आप उसको खोलते हो और उसमें एक स्क्रैच कार्ड निकलता है, जिस पे स्क्रैच करने के बाद 12.5 लाख का गिफ्ट निकलता है आपके ऊपर, आपके नाम पर। दोस्तों आप क्या करोगे, पहले कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों कुछ ऐसे ही हुआ हमारे साथ, तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या हुआ एक्चुअल में। आप देख सकते हैं, एक पोस्ट आया, ये आया पोस्ट ऑफिस से, देख सकते हैं आप। इसको जैसे ही खोला हमने, इसके अंदर से एक स्क्रैच कार्ड निकला, हम देख सकते हैं मीशो। यहाँ पे स्क्रैच किया तो निकला 12.5 लाख का प्राइस। शायद आपको अच्छे से नहीं दिख रहा, मैं स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ इसका। 12.5 लाख का प्राइस निकला। उसके साथ एक आता है फॉर्म, जिस पे इस फॉर्म का भी मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, आप उसको पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। जिस पे लिखा है, थोड़ा सा मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। डियर कस्टमर, मीशो ऑनलाइन शॉपिंग प्राइवेट लिमिटेड इज प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट ऑन द ओकेजन ऑफ इट्स 7th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। मैं बता देता हूँ छुटकरे में क्या लिखा है। उन्होंने 7th एनिवर्सरी का जो सेलिब्रेशन कर रहे, उसके अवसर पर एक लकी ड्रॉ निकला गया है, जिसपे आपका नाम सिलेक्शन हुआ है, जो कि सीरियल नंबर, इसमें कुछ इस टिकट पे कुछ सीरियल नंबर बताया गया है कि उस सीरियल नंबर पे आपको एक प्राइज निकला हुआ है। तो उस प्राइज को क्लेम करने के लिए आपको जो नीचे रूल्स जो है, जो नीचे फॉर्म दिया है, उसको आप फिल करके आपको उनको भेजना पड़ेगा। तो जिसमें आपको आपका अकाउंट होल्डर नेम, आपका बैंक का डिटेल्स मांग रहा है। देखिए बात को समझिए, बैंक अकाउंट होल्डर नेम, बैंक अकाउंट IFSC कोड, ब्रांच नेम, बैंक नेम, आधार नंबर, पैन नंबर, और नीचे आपका सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन, वो भी मांगा गया है। तो हमने क्या किया, इसको वेरिफिकेशन करने के लिए हमने मीशो ऑनलाइन हेल्पलाइन, जो मीशो का जो हेल्पलाइन नंबर है, उस पर हमने कॉल किया। तो मीशो का कस्टमर केयर का जो रिस्पॉन्स था, उन्होंने बताया कि उनकी तरफ से इस तरह की कोई भी गिफ्ट सिस्टम अभी तक निकला नहीं है। दैट मीन्स क्या हो सकता है, ये कोई 12.5 लाख रुपए ऐसे आपको देगा क्या। हमने, यानी कि मैंने इस पे, इन्होंने एक वेबसाइट दिया हुआ है www.miso.gift। उस वेबसाइट को मैंने अपना सिस्टम पे, लैपटॉप पे डाला, तो वहाँ पे दिखा रहा है कि ये जो वेबसाइट है वो अवेलेबल ही नहीं है। देखिए कितनी बड़ी फ्रॉड कर रही है, फ्रॉड मीशो के नाम पे। आप देख सकते हैं किस तरह से पेम्पलेट्स भी बनाए, किस तरह से फॉर्म बनाए मीशो के नाम पे। तो हर कोई तो बेवकूफ़ बनेगा ही ना। इसमें कुछ नंबर भी दिया गया है, जिस नंबर पे आज मैंने कॉल किया तो कॉल पिक नहीं किया उन्होंने। और यहाँ पे देखिए सील लगाया हुआ है मीशो ऑनलाइन शॉपिंग प्राइवेट लिमिटेड का। इस तरफ में है बैंक पार्टनर का नाम भी दिया हुआ है, बैंक पार्टनर का नाम है HSBC बैंक। और जो नीचे जो एड्रेस दिया है, जो जैसे सील में देते हैं नीचे, उनका जो इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे वो बैंक है उसका जो एड्रेस है वो रहता है। इस पे लिखा है वेस्ट मिडनापुर वेस्ट बंगाल, नॉट बंगाल, फुल बंगाल भी नहीं आया, बंगा आया। तो इसमें मुझे डाउट हुआ, और जो इन्होंने जो वेबसाइट दिया उस पे मुझे डाउट हुआ, इस वजह से मैंने कॉल किया। तो उन्होंने कॉल भी पिक नहीं किया, और उसके बाद मैंने मीशो हेल्पलाइन नंबर से बात की, तो उनकी तरफ से इस तरह की कोई भी गिफ्ट सिस्टम अभी तक निकला नहीं है। तो दैट मीन्स ये फ्रॉड है। दोस्तों ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है, आप भी इस चीज़ से बच के रहिए। और एक सोचने वाली बात यह है कि पोस्ट ऑफिस वाले इस तरह के जो फ्रॉड ही बोल सकते हैं, उनको डिलीवर क्यों करते हैं। थोड़ा सा पोस्ट ऑफिस वाले, आप भी थोड़ा सा इस चीज़ को वेरिफिकेशन करके लीजिए ना। यहाँ पे सेंडर नेम भी है, जहाँ पे इसमें सील लगा हुआ है, देखिए जिसने भेजा है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें लिखा है साहा इंटरप्राइज, 39 निमताला स्ट्रीट, कोलकाता 70007। मैंने इस एड्रेस को भी गूगल पे सर्च किया, इंटरप्राइज को इस पे गूगल पे सर्च किया, तो
इसका एड्रेस आ रहा है, एक मेडिकल शॉप का एड्रेस दिखा रहा है और दूसरा कुछ प्रिंटिंग प्रेस का वो एड्रेस दिखा रहा है। तो प्रिंटिंग प्रेस वाला और मीशो का क्या कनेक्शन है? मीशो अगर भेजेगा तो सीधा मीशो का कंपनी से भेजेगा ना, तो पोस्ट ऑफिस वाला भी वहाँ से उठा के सीधा कैश डिलीवर कर देते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि दूसरा सवाल मैं मीशो से करना चाहता हूँ, मीशो ऑनलाइन जो शॉपिंग जो भी है उससे मैं करना चाहता हूँ। देखिए आपका नाम खामखा एक ख़राब कर रहे हैं, आपका नाम खामखा बदनाम किया जा रहा है। मीशो कंपनी वाले थोड़ा इस चीज़ को ध्यान में रखें। अभी हर कोई समझेगा ना, हर कोई तो रियली समझेगा ना इस चीज़ को कि मीशो ने भेजा है, ऊपर से पोस्ट ऑफिस से आया है। एक सवाल ये है, एक सवाल मेरे मन में ये उठ रहा है कि जिसने भी फ्रॉड किया है, जिसने भी ये चीज़ करने के लिए सोची है, उनको पर्टिकुलर उस कस्टमर का नाम, उनका एड्रेस, उनका नंबर कहाँ से मिला, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि ये उन्हीं को भेज रहे हैं जो मीशो से कंटिन्यू शॉपिंग करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि मीशो का डाटा लीक हो रहा है, या मीटो का सॉरी या इसका मतलब मीशो का सर्वर हैक हुआ है, या मीशो ने ही इस चीज़ को बेचा होगा, ये भी हो सकता है। तो किसी को भी विश्वास करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है आज की डेट में। तो दोस्तों आप लोग अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए, और इस वीडियो को इतना फैलाइए कि हर किसी को पता तो चले। एटलीस्ट हम कुछ नहीं कर सकते तो इस वीडियो को फैला तो सकते हैं, हर किसी को बता तो सकते हैं एटलीस्ट। तो इसमें कुछ इस तरह का रहेगा, इसको आप अगर इस तरह से कोई भी आपके पास आपके नाम से अगर आता है मीशो का तरफ से तो अलर्ट रहिएगा। दोस्तों इस फॉर्म में ना एक और डाउट वाली क्या बात है, इसमें कुछ रिडेम्पशन रूल्स लिखा गया है जो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूँ। नंबर वन, टोटल अमाउंट कूपन प्राइस वैल्यू विल बी क्रेडिटेड डायरेक्टली टू योर बैंक अकाउंट। नंबर टू, ऑल गवर्नमेंट सेंट्रल और स्टेट टैक्सेस प्रोसेसिंग फीस रिवार्ड्स द रिडेम्पशन ऑफ द प्राइज मनी विल बी पेड बाय द विनर। ओके, नंबर थ्री पे क्या लिखा है, द चार्जेस लिव्ड विल बी कलेक्टेड इन एडवांस एंड विल नॉट बी एडजस्ट अगेंस्ट द प्राइज मनी अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। ध्यान करने वाली बात है ये। चौथा नंबर पे क्या लिखा है, ऑल पेमेंट विल बी मेड ऑन टर्म ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट रूल। सोच सकते हो आप। पांचवा नंबर पे लिखा है, योर बैंक अकाउंट नंबर मस्ट लिंक विद आधार कार्ड एंड पैन कार्ड। ये सब तो लिखने वाली बात है। तो इसमें नीचे फॉर्म भी दिया गया है, देखिए यहाँ पे आपको अपना सब कुछ भर के आधार कार्ड पैन कार्ड यहाँ पे आपका फिंगरप्रिंट या सिग्नेचर करके भेजना होता है। तो दोस्तों आज की डेट में इस तरह से कौन पैसा देता है? अगर पैसा मीशो रियल में पैसा देता तो टीवी में एड्स देता, या मीशो एप्लीकेशन के थ्रू आपको कुछ नोटिफिकेशन आता, या उनके ऑफिशियल वेबसाइट से कुछ आपको मेल आता, ऐसा तो नहीं है। तो दोस्तों इस तरह का फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्पेशली देखा गया है कि मैंने कुछ रिसर्च किया था कि स्पेशली कर्नाटका साइड में ना बहुत ज़्यादा लोगों के घर पे इस तरह के कोरियर आ रहे हैं, इस तरह के पार्सल आ रहे हैं, जो काफ़ी लोगों ने अपना पैसा गंवाया भी है। और मेरे कुछ रिसर्च से मुझे ये पता चला है कि किसी ने तो पैसा गंवा दिया हो और उसने पुलिस पे जाके कंप्लेंट भी की, तो पुलिस वाले कह रहे हैं कि हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो सर आप भी कुछ कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इस पे सेंडर का एड्रेस है, देखिए कहाँ से भेजा गया है, एड्रेस है, आप पता कर सकते हैं उस चीज़ को, अगर आप चाहो तो कर सकते हैं। और थोड़ी सी इसमें जिम्मेदारी पोस्ट वालों की भी होती है, पोस्ट ऑफिस। देखिए आप तो सदियों से आपका कारोबार चलते आ रहा है, आपका सबसे पुराना जो एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने वाला या पोस्ट ले जाने वाले जो भी कोरियर ले जाने वाले आप ही है, इंडिया पोस्ट। आपको थोड़ा तो एटलीस्ट थोड़ा तो वेरिफिकेशन करना है इस चीज़ को। तो बाकी आप समझदार हो दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ना, इतना शेयर कीजिए ताकि हर जगह पे हर किसी को मालूम होनी चाहिए ये चीज़। मैं ये वीडियो फेसबुक में डालूंगा, यूट्यूब में भी डालूंगा। दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें। और लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, सावधान रहे, सतर्क रहे, और कुछ करने से पहले ना थोड़ा रिसर्च जरूर कर लीजिएगा, कुछ एक्शन लेने से पहले। इस तरह का अगर आपके पास कुछ पार्सल आता है, कुछ इस तरह का कुछ गिफ्ट आपको दे रहा है, या कोई इस तरह का कोई पोस्ट आता है, तो थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, थोड़ा सा आसपास लोगों को पूछिए, उसके बाद ही कुछ कदम लीजिए। दोस्तों प्लीज़ अलर्ट रहिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय। जय हिंद।